चलें तो यूरो गाइनी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इससे पहले मैंने थोड़ी जनरल बातें की थी अबाउट सिलेबस, तो अब स्पेसिफिकली यूरोगाइनी के बारे में बात हो रही है। आई विल ट्राई के यूरोगाइनी को एक अच्छे अंदाज में हम रिकैप कर सकें, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, ये रिकैप सेशन है, मतलब ओरिएंटेशन सेशन है, हर चीज की डिटेल नहीं है। आई विल टच एवरीथिंग, बट डिटेल फिर हम सेपरेट लेक्चर्स में ही डिस्क करेंगे। मतलब अगर हमने पॉप क्यू करना है तो डिफरेंट लेक्चर है, सेपरेट है। अदर ग्राफ्स कर रहे हैं तो सेपरेट, इनकॉर्डिनेंस करनी है तो सेपरेट, यूरेटर इंजरीज करनी है तो सेपरेट, राइट। ओके, तो अगेन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ मोटिवेशनल कोट। जो मैं सेशन के शुरू शुरू में मैंने बताया था कि जो बिग चेंजेस होती है ना, वो मिरेकल्स नहीं होते कि वो आप सब उठे तो आपकी जिंदगी चेंज है और आप कंसल्टेंट बन गए हैं। नहीं, इसके लिए छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंस है ना आपके लिए, वो इन छोटे छोटे स्टेप्स की है। अब अपने एग्जाम के हवाले से इन छोटे छोटे स्टेप्स को छोटे छोटे टॉपिक्स कंसिडर करें। सॉरी, तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना, इनको आप छोटे छोटे टॉपिक्स समझें। किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक को आपने गैर जरूरी अहम नहीं समझना। ये एक प्रॉपर एक क्वेश्चन हो सकता है, या बहुत सारे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन के तौर पे आ सकता है, और चूंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे, और एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे तो फिर आपको प्रॉपर की चूज करने में मसला हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कोई भी छोटा टॉपिक एक स्टेशन बन सकता है व्हेन यू विल अपीयर इन योर टॉक्स, ठीक है। पीपीटी तो यार नजर आ रही है, आप अपनी जो मोबाइल है ना उसको स्वाइप करें, मतलब उसके डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, जूम में यही मसला है। अच्छा, तो अच्छी बात ये। अब हम आ जाते हैं यूरोगाइनी पे। यूरोगाइनी में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, किस किस को पीपीटी नजर आ रही है, चलो वो बता दे, मैम किस किस मुझे को तो आ रही है। नजर आ रही आ रही है नजर, जिनको नजर नहीं आ रही ना वो स्वाइप करें, ठीक है। जी मैम, स्वाइप मेरी आ भाई रही ये है, कर ठीक रही है। है। ओके चलें यार, थोड़े टेक्नो हो जाओ, आवाज नहीं आ रही, स्लाइड नजर नहीं आ रही, टेलीग्राम कनेक्ट करना नहीं आता। अब ये कोई बातें हैं तुम लोगों के लेवल की? अच्छा, तुम लोगों को कैसे स्लाइड नजर नहीं आ रही? सही कह रहे हो, जो मैं शेयर करी हूँ वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आई गॉट इट, तुम ज्यादा नहीं नो, मुझसे ज्यादा टेक्नो। चलें, अब आएगी नजर। सॉरी माय मिस्टेक्स, टीचर भी गलत हो सकता है। चलो, बिग चेंजिंग्स आपके स्मॉल स्टेप्स से मिलते हैं, ठीक है। चलें, तो ये देखो, सब जो यूरोगाइनी का मॉड्यूल है ना, इसमें मीनोपाज आता है। मीनोपाज के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो नाइस ही है, नाइस के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रीमेच्योर यूरिन इनसफिशिएंसी आ सकता है मीनोपाज के लिए। अच्छा, मीनोपाज डिफरेंट है, इनसफिशिएंसी डिफरेंट है, इसके लिए एक टॉक करेंगे, और बाकी मीनोपाज के लिए हम पढ़ेंगे ईबीएम। फिर एचआरटी आता है, एचआरटी के लिए एक प्रॉपर सेशन है, उसकी स्लाइड्स ही सफिशिएंट है। हाउएवर, स्लाइड्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बनाई है, नाइस से, और वेरियस ईबीएम के टेबल्स हैं, और कुछ टोक के भी टेबल हैं। फिर असेसमेंट ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ग्राफ, इसके लिए सेशन स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये मुश्किल हो जाता है जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं करते। और दूसरा ये कि हेफेजेड है, बिखरा हुआ है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर हर जगह ग्राफ की जो रिकमेंडेशंस हैं या वैल्यूज हैं वो सेम ही है, मसला इसमें अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी आपके कोलिग ने बताया कि डन MRCG 2, बट ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ग्राफ तो आता ही है सिंस फ्रॉम योर IMM आ रहा होता है, आपको बताना पड़ता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या ओवर एक्टिव ब्लैडर है। और थीरी में ऐसा आता है कि आपको वैल्यूज दी जाती हैं और फिर आपको बताना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट पढ़ना कहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। सेम गोज फॉर पॉप क्यू।
स्टडी सोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे. अच्छा, इसके बाद इनकॉन्टिनेंस के नाइस की अपनी गाइडलाइन है, इसके बाद तो जरूरत ही नहीं है. ठीक है, फिस्टुला टोक्स के लिए स्टेशन है, लेकिन आई डोंट नो क्यों बहुत थ्योरी में आता है ये, इसकी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन. मतलब जब करोगे रिकॉल्स और जो रिपीटर्स है उनको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक ये टोक्स का है. इसके बाद यूटीआई है, यूटीआई के लिए इसका टोक आर्टिकल भी है, बट ईबीएम ने भी टोक का ही छापा लगाया हुआ है, ज्यादा इजी लगता है पढ़ना तो ईबीएम से करेंगे. इन्फेक्शन में यूटीआई कर भी चुके हैं, बट हम दोबारा भी करेंगे यूरोगाइनी में, क्योंकि यूरोगाइनी में यूरोगाइनी की कोई भी जो कंप्लेंट है वो यूटीआई एक्सक्लूड के बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते ना. फिर प्रोलैप्स है, मशहूर जमाना. ठीक है, इसके लिए ईबीएम बहुत है, लेकिन चूंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके टॉक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम दोनों रिसोर्सेज से करेंगे. सेशन स्लाइड भी हैं इसकी, डीएच से भी करेंगे और ईबीएम से भी करेंगे. इसके बाद साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, समरी कार्ड से सफिशेंट है, और इन कार्ड्स का जो सोर्स है वो है स्ट्रैटोजी, मतलब कॉलेजी है. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ईबीएम, इसमें यूजली वो बच्चे आ जाते हैं जिनको फॉरन बर्डी या प्रीकॉक्शन बर्टी या सेक्सुअल अब्यूज में आपने डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्विज़ेस को अटैच करके ही हो सकती है और नहीं हो सकती. बता जब रेप एटेक्स के उसके लिए इंपॉर्टेंट है, टोक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप. ईबीएम काफी है इसके लिए, दोनों चीजों के लिए. ठीक है, इसके बाद जो पेप्सी है ना, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एचआईवी का या हेप बी का, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड ये रिकॉल भी है FCPS का, MCS का. फिर है फीमेल जेनिटल मटिलेशन, ये भी करेंटली भी अगस्त 2022 में आया भी था, लेबर में थी, अब कब आइडल टाइम होता है इसको करने का, कौन सी टाइप की मटिलेशन कब छेड़ना. स्ट्रैटोजी बहुत अच्छा है इसके लिए और ईबीएम भी काफी है, मतलब दोनों में डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं है. बिनाइन वल्वल प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगले अभी रिसेंट 1 or 2 years में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, विन पे, सोरियासिस पे, पैजर डिजीज पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है. वल्वोडाइनिया तो एज ए टोक स्टेशन आ चुका है, हालांकि हम कभी कंसिडर नहीं करते, बट ये रोल प्लेयर आया हुआ था उसकी अभी FCPS के एग्जाम में, जिसके काउंसलिंग कर रहे हैं और बताएं क्या करना. फिर प्री इन्वेसिव डिजीजेज, ठीक है, प्री इन्वेसिव डिजीजेज जो है ना, वल्वा में विन है और सर्विक्स में सिन है और वजाइना में वेन है और एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है. ओवरी में कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बॉर्डरलाइन ट्यूमर है इसको, लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल नॉन अग्रेसिव ट्यूमर, या यू मे से प्रीइन्वेसिव अलग है नहीं कह सकते, लेकिन वेन हम वल्वा में पढ़ेंगे. ऑल्दो हम इसको पढ़ भी चुके हैं ना, आपको याद आ रहा होगा वल्वल कैंसर में, अगर आप ऑन्कोलॉजी कर चुके हो, नहीं कर चुके तो फिर कर लें, बट ये रिपीटेशन है. तो ये एक इस पूरे मॉड्यूल की जो है वो आउटलाइन है, जहां जहां से करने हैं वो भी मैंने बता दिया. बट अब मैं जंप करूँ टूवर्ड्स विजाइको विजाइनल फिस्टुला, मैं थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहती हूँ रिकॉल्स की. पहले मैं इसी पे आ जाऊँ कि आता क्या एग्जाम में. अब व्हेन आई एम टॉकिंग यू पीपल टू यू पीपल, तो अब मेरे जो जहन में है ना, मेरी ये 4 बुक्स हैं, मतलब इनसाइट आईएमएम, इनसाइट एमसीपीएस, इनसाइट एफसीपीएस एंड माय स्पेशल एडिशन. और ये इन बुक्स ने 2010 से लेके 2020 तक का पूल कवर किया हुआ है, और वो अब मेरे सारे माइंड में आ रहे हैं कि ये हुआ क्या है बेसिकली. स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट दिस मॉड्यूल, तो मीनोपॉज में जो क्वेश्चन आते हैं मीनोपॉज रिलेटेड, वो आता है कि और एचआरटी के साथ आता है कि कब कंटिन्यूस कंबाइन देनी है, कब सिक्वेंशियल देनी है. ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे. प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का तो कोई खास मसला नहीं है, एक दफा पूछते हैं होती क्यों है और वो इडियोपैथिक ही होती है, बट समटाइम बजवर्ड डाल के पूछते हैं, ठहर आ जाता है उसमें. देखो टर्नर में तो 100% ओवेरियन फेलियर होना है ना, फिर आप उसमें थायराइड लेके बैठे होते. अच्छा, इसमें ग्राफ में थीरी में तो नहीं आता, लेकिन डिफरेंट तरीके से आता है. एक पेशेंट है जिसको अर्जेंसी है, नक्चूरिया है, और जो है इसकी इसकी कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में ड्यूटर से प्रेशर 20 cm अब आता है, व्हाट इज दिस. इनडायरेक्टली यू विल से कि भाई ये तो ड्यूटर से इंस्टेबिलिटी है,
ग्राफ के बाद स्टेबिलिटी, उससे पहले इरेक्टिव ब्लैडर होता है, फिर इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस है, ओरेक्टिव है, या फिस्चुला है, या कोई डिस्चार्ज है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, इसमें बहुत सारे रिकॉल्स आते हैं. वीबीएफ आई डोंट नो क्यों उसको इतना डिफिकल्ट बनाते हैं, बड़ा डिफिकल्ट देते हैं, मतलब इसमें इतना रेयर है यूसेफ सिंड्रोम, वो यूसेफ सिंड्रोम वो ढा के दे देते हैं. वैसे तो वीवीएफ यही बहुत इंपॉर्टेंट है विजाइको जनरल फिस्टुला, बट फिस्टुला में अगर विजाइको यूट्राइन फिस्टुला, इसको यूसेफ सिंड्रोम में कहते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है. इसमें यू मस्ट बी क्लियर के डिजायर पेशेंट को है या नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट की डिजायर इंटेक्ट है तो फिर डिफरेंट डीडीज हैं, डिजायर नहीं है तो डिफरेंट डीडीज हैं. स्टेप वाइज अप्रोच इन्वेस्टिगेशन पे बहुत रिकॉर्ड्स आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड पे कभी कभार एक तो पॉप, क्योंकि स्टेजिंग ही आती है थ्योरी के लिए. समटाइम दे गिव यू वेरियस वैल्यूज के टीवीएल इतनी है, ए पॉइंट इतना है, बी ए पॉइंट कितना है, तो ये कौन से लेवल का डिफेक्ट है. जब आप पॉप क्यू समझ लोगे तो फिर ये आपके लिए हलवा है. ठीक है, सुनने में शायद मुश्किल लग रहा हो. फिर यूटीआई है, फिर यूटीआई में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है या क्या है, कितने कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पर डायग्नोज करेंगे, क्या फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, एलर्जीज की सूरत में क्या करना है, व्हेन रिलैप्स, व्हेन रेजिस्टेंट, व्हेन रिफ्रैक्टरी, और फर्स्ट ट्रेमेस्टर में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोफाइलेक्सिस क्या, इन सब पे रिकॉर्ड्स भरे पड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, इकोलाई कराता है 80%, और वो सारी ऐसी बातें, फ्रीक्वेंस कितनी है, इसके परसेंटेजेस भी इम्पोर्टेंट है. फिर प्रोलैप्स आ जाता है, प्रोलैप्स में प्रोलैप्स भी इम्पोर्टेंट है, फिर किस लेवल का डिफेक्ट है, किस लेवल की सर्जरी करोगे. फिर बेस्ट वर्ड्स होते हैं कि पेशेंट को फर्टिलिटी चाहिए या उसको मेडिकल अनफिटनेस है, व्हाटएवर. ठीक है, इसमें डिस साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम विल वल्वोडाइनिया करेंगे, बट खास एक दो दफा ही आया है कि, और उसमें यही होता है कि अगर प्रोवोक्ड है कोई पेन वल्वा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और अनप्रोवोक्ड है तो फिर क्या है. ठीक है, और उसका फिर अपना एक एल्गोरिथम है, वो इसी से ही कवर हो जाता है. रेप में मैं बता चुकी हूँ पेप्सी आता है, और इसमें एचआईवी की वेरियस ऑप्शंस हैं, और कब कब देना है, कब तक इफेक्टिव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही डेटल प्रिक इंजरीज, ये अभी टोक्स अभी अगस्त में भी आया था एग्जाम में, हेपसी का आया था परसेंटेज एफसीपीएस में, और एचआईवी की आई थी एमसीपीएस में, बट इम्पोर्टेंट बहुत है. फीमेल जेंडल म्यूटिलेशन भी अभी एग्जाम में आया है, बता चुकी हूँ, और वल्वोडाइनिया बता चुकी हूँ. विन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अभी भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन थे, कब आपने सर्जरी करनी है या कब कीमोथेरेपीज देनी है, एमिल तो माइट भी कीमोथेरेपी नहीं आता. एल एस लाइकोसिस की सब चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी मसले से ख़त्म नहीं होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूरोगाइनी. ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, कि अगर किसी पेशेंट को स्टोरेज प्रॉब्लम है तो सिम्टम क्या है. अब ब्लैडर का मकसद है स्टोर करना, अगर में कोई इशू है तो फिर ये स्टोरेज के मसले आएंगे. ठीक है जी, जी बेटा. अच्छा, तो और वाइडिंग सिम्टम्स डिफरेंट है, और उनकी डिजीज भी डिफरेंट है, और उनकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है. तो जब भी आपका स्टेम में आप स्टोरेज सिम्टम्स पड़े हैं तो आपकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी, और जब आप वाइडिंग इश्यूज पड़ेंगे तो आपकी चॉइसेस ना डिफरेंट होंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट यूरो गाइनी. आज फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना, रात को यूरिन पास करना, यूरिन का होल्ड ना कर पाना, इतना मसला होना कि होल्ड ना करना ना करना, मतलब अर्जेंट अर्जेंसी के बाद, डिजायर टू अर्ज के बाद फॉरन इनकॉन्टिनेंस भी हो जाना, ग्रेड्स होते हैं ना अर्जेंसी के, या फिर स्ट्रेस पे लीक कर देना, और कितने स्ट्रेस पे कितना लीक करना, अगेन इट्स ग्रेडिंग, और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर. तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो उसकी मैनिफेस्टेशन किस तरह होगी, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नक्चूरिया इनकॉन्टिनेंस के फॉर्म में, और ये ऑल आर स्टोरेज इश्यूज. और जब अपने स्टोरेज को स्टडी करना है तो इसके लिए ऑब्वियसली ब्लडर डायरी के बाद यूरोडायनामिक स्टडीज आती हैं. तो कौन सी स्टडीज, फिलिंग स्टडीज या वाइटिंग, ऑब्वियसली फिलिंग स्टडीज, फिलिंग. ठीक है, और एक है इस पर एक क्वेश्चन भी था कि जो किसी भी पेशेंट की रिकॉल है आपके एग्जाम का, कि प्रेशर और
प्रेशर को हम कब देखते हैं, यूरोफ्लेमेट्री पे देखते हैं या सिस्टोमेट्री पे? तो प्रेशर चेंजिंग्स तो आपको सिस्टोमेट्री पे नजर आती हैं, ठीक है? अच्छा, वाइडिंग सिम्टम्स से मुराद क्या? अगर किसी पेशेंट में वाइडिंग डिसफंक्शन है तो उसको क्या होगा? उसकी जो यूरिन की स्ट्रीम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, ही मे परसीव कि रिड्यूस हो गया फ्लो, स्प्लिट करके आ रहा है, या इंटरमिटेंट स्ट्रीम बन रही है, या उसको हेजिटेंसी हो रही है, या उसको यूरिन पास करने के बाद भी ड्रिबल कर रहा है, जैसे डायवर्टिकुला में होता है। डायवर्टिकुला रिकॉल भी है वैसे, पेशेंट को ड्रिबल हो रहा था, आपने बताना था क्या आपने डायवर्टिकुला। और अगर उसके साथ इन्फेक्शन है, पेन है, तो डायवर्टिकुलाइटिस है, और ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। तो ये बेसिकली इस तरह के जब यूरिन के मसले होंगे तो पेशेंट को ना वाइडिंग सिम्टम्स हैं, और वाइडिंग सिम्टम्स को स्टडी करने के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगा? यूरोफ्लोमेट्री। और मजीद स्पेसिफिक करने के लिए काज क्या होगा? सिस्टोमेट्री। अब आपने बोला, आप कहेंगे सिस्टोमेट्री तो आप प्रेशर में बता रही थी और स्टोरेजियाँ बता रही थी, बेसिकली फिलिंग सिस्टोमेट्री बता रही थी ना, अब वाइडिंग सिस्टोमेट्री देखनी है, ठीक है? तो ये इश्यूज हैं कि आपने स्टेम को गौर से पढ़ना है कि पेशेंट में स्टोरेज इश्यूज है या वाइडिंग इश्यूज है, फिर अपनी उन ऑप्शंस में से इन्वेस्टिगेशन चूज करनी है। तुम लोग ज्यादा वो हो जाओगे, तेज हो जाओगे जब तुम प्रॉपर मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? लेकिन अब जब पढ़ना शुरू करना है तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो ध्यान में रखनी है। मोस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कौन सी होती है? स्ट्रेस, उसके बाद मिक्स्ड, उसके बाद अर्ज, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, आप कहते हो कि पेशेंट की भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से मुराद क्या है? वो अगर वो कहती है 3 दफा जाती हूँ तो ये तो ज्यादा होना नहीं है ना। अगर वो दिन में जाती है मोर देन 8 टाइम्स तो इसका मतलब है ये ज्यादा है। तो ये जरूरी है। अगर नकचूरिया किसी को कहते हैं तो वो कहती है मैं यूरिन रात को उठ के 1 दफा करती हूँ, तो वो तो नॉर्मल है। हाँ, अगर 1 दफा से ज्यादा उठती है तो फिर, और स्पेसिफिकली इस इशू की वजह से, ये नहीं कि कोई को खाम याद आएगा, तो फिर ये नकचूरिया कहेंगे। पोली यूरिया 40 ml/kg के हिसाब से कहेंगे। नॉर्मल जो वाटर इंटेक है ना, वो 2 लीटर तो है ही। अब अगर किसी की ब्लैडर ड्रिल भी करनी है ना कि भाई पानी कम पियो, तो 2 लीटर से कम नहीं कह सकते हैं उसको। मिक्चरेशन डायरी 3 डेज की होती है, वैसे आप देखेंगे 1 डे की, 7 डेज की, बट हम चूंकि गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तो हमने 3 डेज वाली करवाते हैं। ब्लैडर का जो रेजुअल वॉल्यूम है वो 50 ml है, लेकिन ये किसके लिए है? ये मेनोपॉजल वुमेन के लिए है। बच्चियों में डिफरेंट है, रिप्रोडक्टिव एज में डिफरेंट है, और मेल में डिफरेंट है, बट हमसे वो पोस्ट मेनोपॉजल का पूछते हैं तो उसके लिए दिस इज लेस देन 50 ml। मतलब अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसका मतलब क्या है? ब्लैडर में इश्यूज हैं, उसमें ज्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? और रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो यूरिन ही है ना ब्लैडर में स्टे करेगा, इन्फेक्शन ही होगा, स्टेसिस होगी, और वो जितना इन्फेक्शन होगा वो ब्लैडर के मसल्स खराब करेगा। मसल में क्या है? डिट्रोसल मसल, वो खराब हो जाएंगे, फिर वो इंस्टेबल हो जाएंगे, प्रोडक्टिव ब्लैडर हो जाएगा, फिर वो सेंड कर जाएगा, फिर उसको इवन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, किडनी तक ये सेंड कर सकते हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है रेजिडुअल यूरिन का ज्यादा होना। और रेजिडुअल यूरिन को मेजर करने के 2 तरीके हैं, या तो फोलीज डाल के देख लें कितना बाहर आया, या फिर अल्ट्रासाउंड कर लें। अगर आपके पास ये दोनों चॉइसेस हो तो फिर आपने क्या करना है? ये रिकॉल है, अल्ट्रासाउंड करेंगे फिर। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्योंकि वो नॉन इन्वेसिव है, खुद से फोलीज डालोगे तो यूटीआई हो सकता है मरीज को। अल्ट्रासाउंड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर ना चाहते हुए प्लान बी। और ये जो आपका पूल है, ये प्लान बी पे ज्यादा चल रहा होता है, प्लान ए तो मिलता ही नहीं है। आइडियल की तो वैसे मुझे लगता है कभी क्वेश्चंस में आती है, तो आपको प्लान बी भी आना चाहिए। अल्ट्रासाउंड नहीं है तो फोलीज डाल के भी देख सकते हैं रेजिडुअल यूरिन को। फर्स्ट डिजायर, अगर एक बंदा ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 200 ml है, 150 से 200। अगर उसकी फर्स्ट डिजायर आती ही 100 पे है तो फिर क्या डेडी बनेगी? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बनेगी, ओवर एक्टिव ब्लैडर, क्योंकि ओवर एक्टिव ब्लैडर में ब्लैडर की जो कंप्लायंस कम हो जाती है, कम यूरिन होल्ड करता है, तो इसलिए उसकी फर्स्ट सेंसेशन भी पहले आ जाएगी। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस फर्स्ट डिजायर कब आएगी? नॉर्मली आएगी, फिर 150-200 पे आएगी। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में तो आएगी नहीं, उसको पूरा भर दें, 1 लीटर डाल दें, उसके अंदर सेंसेशन ही नहीं है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट 3 किस्म के डीडीज हम सिर्फ फर्स्ट डिजायर टू वाइड से ही निकाल लेंगे। ब्लैडर कैपेसिटी जानना भी बहुत जरूरी है। कम कैपेसिटी
किसमें होती है, ओवर एक्टिव में, नॉर्मल कैपेसिटी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, और ज्यादा कैपेसिटी नहीं बचाने प्लेटर में, ठीक है। डिट्रोसर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें, लेकिन इन्होंने फीलिंग का बताया है, और ये जो फीलिंग है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जब तुम टॉक्स में भी पढ़ते हो ना, तो वो फीलिंग और वाइडिंग डिफरेंट लिखा होता है, तुम वाइडिंग वाले के लिए 15 यूज करके उसको गलत कराते हो, ये फीलिंग के लिए लेस देन 15 है, वाइडिंग के लिए नहीं है, वाइडिंग के लिए 70 है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को जैसे प्रेशर लेस देन 15 है पर 500 ml, तो दिस इज नॉर्मल, और अगर 300 ml है उसकी कैपेसिटी, या उसमें आपने यूरिन पानी इतना डाला है चैनल के थ्रू, तो फिर दिस इज लेस देन 15, फिर ये 10, और ये इस पे तुम लोग फिर परेशान हो जाते हो, क्योंकि कहीं 15 लिखा होता है, कहीं 10, तो दिस इज ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने इसमें इन कितना किया है, 500 इन किया है तो 15 है, और 300 इन किया है तो 10 है। अब आप वाइडिंग फेजेस पे आ जाएं, वाइडिंग फेजेस में जो ड्यूटर से प्रेशर है शुड नॉट एक्सीड मोर देन 60, 60-70 इसकी रेंज है फॉर फीमेल्स, इसका मतलब है बच्चों में और मेल्स में डिफरेंट है। फ्लो रेट ड्यूरिंग वाइडिंग जो नॉर्मल है वो 15 ml/s है, इससे कम होगा तो फिर ग्राफ खराब आएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि पैथोलॉजी है, इसका मतलब ये है के मीन्स फ्लो रेट आपने आइडियल अचीव नहीं किया, ठीक है। तो फ्लो रेट शुड बी 15 ml/s फॉर ए वॉल्यूम ऑफ 150 ml, अगर ऐसा है तो फिर ही यूरोफ्लेमेट्री हमारे लिए कोई काम की या प्रोडक्टिव है, अदरवाइज उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप यूरिन ही उसमें 150 से कम है, तो फिर उसका जो फ्लो रेट है वो भी कम आएगा, तो फिर उसको भरें 150 तक, फिर डिसीजन लें। और जब भी इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो देयर शुड बी नो लीक, अगर लीक होता है तो फिर क्या है ये फिलिंग फेज में, जैसे ही एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो और लीक हो रहा है या पेशेंट को डिजायर हो रही है, ठीक है, तो आपने देखा कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में तो फर्स्ट डिजायर भी नॉर्मल है, ब्लैडर कैपेसिटी भी नॉर्मल है, सेकंड डिजायर भी नॉर्मल है, फिर मसला किधर किधर आता है, मसला इधर आता है जैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है लीकिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो ज्यादा मसले मसाइल हैं ग्राफ में, जो विजिबल प्रेशर चेंजिंग्स हैं या कैपेसिटी इशूज हैं या डिजायर इशूज हैं, वो सारे आप ड्यूट्रेसर इंस्टेबिलिटी में देखते हो। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होगा, कोई डिजायर ही नहीं, प्रेशर से कोई डिफरेंस नहीं है, वो ड्यूट्रेसर प्रेशर बजाय इसके कि ज्यादा हो बिल्कुल ही फ्लैट मिलेगा, और पेशेंट को आप मतलब कैपेसिटी 600 ml है उससे ज्यादा भरोगे वो भरता जाएगा और फिर एंड में वो फट ही जाएगा, ठीक है, या फटेगा नहीं अगर कोई आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ड्रिपलिंग होना शुरू हो जाएगी, क्लियर क्लियर। ये बेसिक्स हैं बिल्कुल यूरोगाइनिंग की, कि आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन आनी चाहिए, छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं डेरीज के, वो आने चाहिए, राइट। तो यूरोफ्लेमेट्री में बेल शेप कर्व होती है, अगर प्रोवाइडेड दैट के 150 ml तक है यूरिन, और बेसिकली यूरोफ्लेमेट्री करेंगे यूरोडायनेमिक्स में अलग से, ये होता है इसका ग्राफ बेल शेप्ड, ये अच्छा है 150 ml पे 15 ml/s के लिहाज से बेल शेप आना चाहिए, लेकिन अगर इसी प्रीडेसिक्यूट पे ऐसा आता है यू, तो ये तो वाइडिंग डिस्फंक्शन है ना, अगर किसी को वाइडिंग डिस्फंक्शन है तो उसकी सिम्टम क्या होती है, वो क्या बोलता है कि मुझे स्ट्रीमिंग सही नहीं है, ड्रिपलिंग हो रही है ना, वाइडिंग प्रेशर्स बढ़ जाएंगे वाइडिंग सिस्टोमेट्री पे। तो जो यूरोफ्लेमेट्री है ये सिर्फ ये बताता है वाइडिंग डिस्फंक्शन है, ये काज नहीं बताता, काज के लिए वाइडिंग सिस्टोमेट्री करवानी है, फिर वहां से पता चलेगा कि इशू जो है ऑब्स्ट्रक्शन का है कि भाई यूरेथ्रा में कोई स्ट्रक्चर है, स्टोन है, या ये ट्रू वाइडिंग डिस्फंक्शन है। चले तो बेसिक इंडिकेशंस जो है यूरो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस किसी भी किस्म के इनकॉन्टिनेंस के लिए, किसी भी किस्म, इट कुड बी फिस्टुला, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो सबसे पहले आपने क्या करवाना है, यूरिन डिपस्टिक फॉर इन्फेक्शन, ये स्टेप वाइज है,
इसको भूलना नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस की की है। हालांकि वो सिनेरियो बन रहा होता है स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस का, और उन्होंने बोला था कि इनिशियल टेस्ट क्या करोगे, तो फिर तो यूटीआई आएगा ना, लिपस्टिक टेस्ट आएगा या एमएसयू आएगा, कल्चर तो नहीं कराएंगे ना डायरेक्ट। हाँ ये ऑप्शन में होगा, कल्चर करा लो, हीमोडायनामिक्स करा लो, सिस्टोमेट्री करा लो, यूरोफ्लोरोमेट्री करा लो, एडमिट कर लो, एंटीबायोटिक दे दो, बहुत सारी ऑप्शंस पे दिल आपका पिघलेगा, पिघलना नहीं है, ठीक है, लिपस्टिक कराना है। चले मिड स्ट्रीम यूरिन, अगर लिपस्टिक पे कोई चीज आती है तो फिर आप देखें कि इन्फेक्शन है ये, फिर उसके लिए आपने उसका कल्चर कराना है। देन 3 डेज ब्लैडर डायरी, ठीक है, आपने देखना है पोस्ट वाइड वॉल्यूम, पोस्ट वाइड वॉल्यूम 50 ml से ज्यादा है तो इसका मतलब है एम्पटिंग अच्छी नहीं हो रही, एम्पटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो स्टोरेज मसले मसले हैं, और बाद में इसको रिकरेंट यूटीआई भी होगा। अब एक ऐसा पेशेंट जिसको वाइडिंग इशू थे, मतलब सॉरी इसका पोस्ट वाइड वॉल्यूम ज्यादा था, तो आप उसको जो है विदाउट एड्रेसिंग दिस इशू आप उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस निकलता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होती है, यू ऑल नो, और जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है मेडिकल ट्रीटमेंट। बट अगर किसी पेशेंट में वाइडिंग डिसफंक्शन थे या ये इश्यूज थे, आपने उनको एड्रेस नहीं कर लिया और डायरेक्टली आपने उनको ट्रीट कर दिया, तो ऐसे पेशेंट में फिर यूरिनरी रिटेंशन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है इसका कोई पीछे ना लॉजिक है कि वाई दे आर बेसिक, मतलब यूटीआई के बैकग्राउंड में किसी को यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन कर दो और मल्टीपल चैनल उसके ब्लैडर में रेथरा में इंट्रोड्यूस कर दो, फिर तो फ्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस से तो नहीं मरेगी अब मर जाएगी, इन्फेक्शन से सेप्सिस हो जाएगा, यूरोसेप्सिस। तो ये इनको अपना फॉलो करना है, जब भी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट आएगा सबसे पहले यूरिन डिपस्टिक, अगर वो खराब आता है तो फिर कल्चर, ठीक है। किसी भी इनकॉन्टिनेंस को स्टडी करने के लिए सिम्टम के बाद उसकी पिक्चर फॉर्म चाहिए, वो है 3 डेज ब्लैडर डायरी, देन यू नीड टू नो पोस्ट वाइड वॉल्यूम, ठीक है। इफ डिपस्टिक इज पॉजिटिव तो फिर आपने देखो यूटीआई की मोस्ट कॉमन काज किया है हमारे माशरे में, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, शुगर भी देखना है, फास्टिंग कराना है, और ये एक एमसीक्यू भी, एक पेशेंट है मल्टीपल यूटीआई है और उसको कार्डियोवाइटिस आज है, आपने क्या करना है, आपने उसका रिकरेंट यूटीआई कार्डियोवाइट डिस्चार्ज आपने क्या करवाना है, डिपस्टिक कराना है या शुगर प्रोफाइल। शुगर हाँ हालांकि अभी तो मैंने डिपस्टिक बोला था, लेकिन अब ये एक इंडिविजुअल सिनेरियो हो गया ना, इसमें रिपीटेड इन्फेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें अब काज ढूंढनी है, इन्फेक्शन तो आप बता रहे हैं, वो डिपस्टिक ने भी इन्फेक्शन ही बताना है, वाई रिपीटेड इन्फेक्शन, वाई फंगल इन्फेक्शन, तो आपने आरबीएस कराना है, आरबीएस नहीं है तो एफबीएस करा लें, एफबीएस नहीं है तो ओजीडी करा लें, ठीक है। ये एक और है, यूरोडायनामिक कंसिस्ट ऑफ यूरोफ्लोमेट्री, सिस्टोमेट्री, वीडियो यूरोडायनामिक्स, इसमें एक रिकॉल भी था ना, वो कौन बताएगा, एफसीपीएस का था अभी, आई थिंक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की सर्जरी फेल हुई थी, ठीक है ना, रशीदा बताएगी, तुम लोग रिपीटर नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफलोमेट्री, यूरोडायनामिक्स का मैंने बोला था ना आपको कि वाइडिंग सिस्टोमेट्री देखने काज ढूंढने के लिए, तो अगर इसमें यूरेथ्रल प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो स्ट्रिक्चर की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर उसके फिर लास्ट में एम्बुलेटरी यूरोडायनामिक्स, तो ये सारे पार्ट है यूरोडायनामिक्स के, ठीक है, ओके। इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ढूंढनी भी है, मतलब एक पेशेंट आ गई है इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है एंड आपने उसकी सर्जरी करनी है, आप उसकी सर्जरी में ऑप्शन है टीबीटी कर दो, ब्रश कर दो, या एक ऑप्शन है कि यूरोडायनामिक्स करा दो, तो क्या ऑप्शन क्या चूज करनी चाहिए, हालांकि तीनों ठीक है। न्यूरोडायनामिक्स कराएंगे पहले। हाँ यूरोडायनामिक्स, यूरोडायनामिक्स नहीं करानी वैसे ना, सिर्फ प्योर स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस तो नहीं करानी, अगर उसके साथ कोई प्रोलैप्स है या ये यू आर गोइंग टू डू अ सेकंड सर्जरी या एक मिक्स्ड पैटर्न है तब कराना है, ठीक है। और सेम जस्टिफिकेशन यू विल गिव इन योर एग्जाम एंड टॉक्स, यूरोडायनामिक की जस्टिफिकेशन देनी होती है, इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशन है,
प्योर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, लेट्स सपोज एक पेशेंट है पैरासिक्स है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ है, स्ट्रेस पे लीकिंग हो जाती है, एग्जामिनेशन पे कोई प्रोलैप्स नहीं है, तो ऑन दिस यू कैन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टीवीटी विदाउट डूइंग यूरोडायनामिक्स. वहीं पर अगर सिस्टोसील है या यू नो ट्राइन प्रोलैप्स है, किसी भी किस्म का प्रोलैप्स है, देन यू विल गो फॉर यूरोडायनामिक स्टडीज, या टीवीटी फेल हो गई है, then you will go for urodynamic studies, या आपको लगता है urgency भी है, nocturia भी एक mixed pattern है, then you will go, या binding dysfunction है साथ में, stream issues हैं, then you will go. तो indications देख लें, detrusor overactivity की treatment से पहले, surgical treatment से पहले, लेकिन देखो detrusor overactive bladder की जो first line treatment है वो medical है, तो medical treatment से पहले नहीं करानी, ठीक है, यहाँ फंस जाते हो फिर exam में. उन्होंने सर्जरी का बोला है, सर्जरी तो सेकंड लाइन है इसकी, तो इसका मतलब है ड्यूटेसर ओवरएक्टिव की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विदाउट डूइंग यूरोडायनामिक्स करवा सकते हैं. हाँ, अगर वो फेल हो जाती है, यू हैव टू डू सर्जरी, तो फिर आपने यूरोडायनामिक्स करवानी है. बाइडिंग डिसफंक्शन है जरूर करवाना है, प्रीवियस सर्जरी फेल हो गई है जरूर करवाना है, एंटी कंपार्टमेंट प्रोलैप्स जिसको सिस्टोसील या यूरेथ्रोसील कहते हैं, यूरेथ्रोसील या सिस्टोसील कहते हैं, उसमें जरूर कराना है, ठीक है. और बाकी ये पढ़ लो. हाँ देखो, ओनली प्योर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में रिकमेंडेड नहीं है 2015 की गाइडलाइन के मुताबिक. यूरोफ्लोरोमेट्री सिंपल नॉन इन्वेसिव है, बेल शेप्ड, ठीक है, 150 टू 100 ml होना चाहिए यूरिन, देन इट इज रिकमेंडेड एंड वैलिड. अदरवाइज इससे कम है तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा करानी है प्री डेथ सर्टिफिकेट मीट करके. ये इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है. ब्लैडर डायरी 3 डेज की होती है. पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग जो आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या प्रोलैप्स में कराते हैं वो 3 months की होती है. ब्लैडर ट्रेनिंग, ब्लैडर ड्रिल भी बोलते हैं, ये 6 हफ्ते की होती है. ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में करानी होती है. अगर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है और ऑप्शन में पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग और ब्लैडर ड्रिल दोनों आ जाए तो फिर क्या करना है. अगर मैं आपको कहूँ कि पेशेंट को अर्जेंसी भी है और स्ट्रेस पे लीकिंग भी है, तो दिस इज मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस की पिक्चर है. तो अब हाउ यू विल इनिशियली मैनेज हर, by doing bladder drill or by doing pelvic floor muscle training. ये दोनों ऑप्शन में आती है ना एग्जाम में, pelvic floor muscle training. yes 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 yes, अगर mixed है तो फिर pelvic floor muscle training. however अगर सिर्फ pure overactive bladder है तो फिर bladder training करानी है, ठीक है. अगर आपने overactive bladder में treatment दे दी है, treatment कौन सी होती है, oxybutynin, doltirodine या darbepoetin, 3 तरह की होती है, इसको याद कर लो, ओ टी और डी से. ये ओ टी डी ही फर्स्ट लाइन है. ओवर एक्टिव ब्लैडर में मेन मैनेजमेंट है मेडिकल, और मेडिकल में क्या देना है, सबसे पहले ऑक्सीबिटाइनिन, दूसरे नंबर पर टॉल्टीरोडीन और तीसरे नंबर पर डायरेफिनासिन. दे ऑल आर फर्स्ट लाइन, और इन ये तीनों भी हों तो फिर इन सब में फर्स्ट लाइन ऑक्सीबिटाइनिन है, ठीक है. सेकेंड लाइन भी है इसकी, जैसे ट्रांस डर्मल ऑक्सीबिटाइनिन देते हैं या मायराबेग्रेन देते हैं, ठीक है. ये सेकेंड लाइन है. ये सेकेंड लाइन तब देंगे जब फर्स्ट लाइन फेल हो जाएगी या फर्स्ट लाइन से साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, और ये इतने रिकॉल है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है. अच्छा, मेडिसिन दे के रिव्यू कब करना है, 4 हफ्ते बाद. अगर मेडिसिन चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, आपने चेंज डोज किया है मेडिसिन, इफ इनटॉलरेबल थी या चेंज किया है, तब भी 4 हफ्ते बाद देखना है. तो बेनिफिट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन रिव्यू, मेडिसिन चेंज, सब में 4 हफ्ते है. ऑन लॉन्ग टर्म मेडिसिन है पेशेंट, मतलब ठीक है अब आपने एक मेंटेनेंस पे देखना है, तो आपने हर 12 महीने बाद बुलाना है. अगर पेशेंट की एज 75 से ज्यादा है तो फिर 6 महीने बाद बुलाना है, ठीक है. इसमें से इफ आई विल से ईच एंड एवरी वर्ड इज रिकॉल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पॉइंट, ये गाइडलाइन से ही लिया हुआ है. मैकलडोप्लास्टी एट अ टाइम ऑफ, अब देखें ये प्रिवेंटिव है. सबसे पहली बात तो ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम प्रिवेंटिव पढ़ रहे हैं, हम थेराप्यूटिक नहीं पढ़ रहे. तो जो एमसीक्यू में प्रिवेंटिव है उसी के लिए इसको एप्लीकेबल है. तो प्रिवेंटिव है मैकलडोप्लास्टी, और मैकलडोप्लास्टी क्या होती है मैं बताती हूँ. मैकलडोप्लास्टी तब करते हैं जब आप, लेट्स सपोज आपने विजाइनल हिस्टेक्टमी की, और विजाइनल हिस्टेक्टमी करने के दौरान आपको लगता है वॉल्ट नीचे आ रही है, ठीक है,
तो आप उसको क्या करेंगे, मैकलडोप्लास्टी करेंगे. मैकलडोप्लास्टी में कौन सा लिगामेंट स्टिच करते हैं, दिस वाज रिकॉल अभी करंट एग्जाम का, यूट्रोसैक्रल या कार्डिनल, विल टेल मी. यूट्रोसैक्रल. यस यस, ये करना था. अच्छा, मैकलडोप्लास्टी पहली चॉइस है वीएच करते हुए. Suturing the cardinal and uterosacral ligaments to the vaginal cuff at the time of hysterectomy is effective in preventing the post-hysterectomy vault prolapse following both abdominal and vaginal hysterectomies. If you are abdominal कर रहे हैं तो फिर क्या करना है, फिर cardinal लगाना है पहले. अगर vaginal कर रहे थे तो पहले uterosacral लगा रहे थे, means mechanoplasty कर रहे थे. But if you are doing abdominal hysterectomy for prolapse और वो करने के बाद भी वॉल्ट नीचे आ रही है, तो प्रिवेंट करने के लिए फिर क्या करना है, कार्डिनल लिगामेंट को स्टिच करना है फॉलोइंग यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. ऑप्शन में कार्डिनल अलग होता है, यूट्रोसैक्रल अलग होता है, तो फिर हम कार्डिनल चूज कर लेंगे. अगर कोई भी ऑप्शन में कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल दोनों होंगे तो फिर हम ये चूज करेंगे. ये क्लियर? मैडम एक दफा दोबारा बता दें. देखो क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, आप उसको सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है. You planned her vaginal hysterectomy. During hysterectomy, you said you noticed after vaginal hysterectomy कि जो vault है ना वो फिर नीचे आ रही है, but above the introitus है. तो what you will do? You will do कौन सा ligament पकड़ोगे? Uterosacral, cardinal, round ligament और बाकी सारे सारे और ligaments आ जाएंगे. Uterosacral. हाँ, क्योंकि इसमें vaginal कर रहे थे ना. अच्छा, same goes कि आप abdominal कर रहे हैं, फिर कौन सा ligament? कार्डिनल. लेकिन अगर मैं कहूं कि आप विजाइनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं और जो वॉल्ट है वो टुवर्ड्स इंट्रोइटस, मतलब इंट्रोइटस को टच कर रही है, इतनी नीचे आ गई है, और मैं कहूं अब कौन सा लिगामेंट लगाओगे, यूट्रोसैक्रल कार्डिनल या सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन? सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन. चलो वेल डन, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो गए. ठीक है, ये भी देखना है लेवल कहाँ तक है. अबव इंट्रोइटस है तो देखो वीएच कर रहे हो या टीएच कर रहे हो. वीएच कर रहे हो तो यूट्रोसैक्रल, टीएच कर रहे हो तो कार्डिनल. ठीक है, और अगर एड इंट्रोइटस है तो फिर आपने सैक्रोस्पाइनस ही करनी है. अच्छा, फिर एक और मसला होता है, फिर वो कहते हैं कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन करनी है. आगे आता है, चलो आगे बताते हैं. चॉइसेस भी आती हैं काफी. तो मैकलडोप्लास्टी इनका तरीका बताया हुआ है. इसमें दो तरह के सूचर्स लेते हैं. फर्स्ट होता है जो सूचर, वो फुल थिकनेस लेते हैं पोस्टीरियर जनरल वेल को और पोस्टीरियर पेरिटोनियम को और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को. तो बेसिकली ये तीन लिगामेंट्स हैं जो आपने टाई करने हैं. तीन स्ट्रक्चर्स हैं, पोस्टीरियर जनरल वॉल, पोस्टीरियर पेरिटोनियम और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. अब ये पोस्टीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर पेरिटोनियम है, ठीक है, और ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है. अगर आप ये सारा सी देंगे तो स्पेस बचेगी इंटरोसील होने की? नहीं बचेगी, और ना ही वॉल्ट नीचे जाएगी. तो मैकलडोप्लास्टी इंटरोसील भी नहीं होने देती. ठीक है. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन करनी है या सैक्रोसेरोपेक्सी करनी है. अब बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि जो प्रोलैप्स की सर्जरीज है ना, ये उनकी बात हो रही है जो बिल्कुल ही बिगिनर है. प्रोलैप्स की सर्जरी मतलब यूट्रो विजाइनल वॉल प्रोलैप्स हो गया, उसकी सर्जरी करते हैं ना. तो सर्जरी करने के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं, कंजर्वेटिव और डेफिनेटिव. तो कंजर्वेटिव से मतलब है कि यूट्रस बचा लो. यूट्रस बचा रहे हैं तो फिर हमारे पास, आप बताएं क्या चॉइसेस हैं, क्या कुछ करेंगे. प्रोलैप्स की हम सर्जरी कर रहे हैं, यूट्रो वजाइनल वेल प्रोलैप्स की, ठीक है. और इस सर्जरी में पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया है कि आई एम नॉट विलिंग कि आप मेरी यूट्रस निकालें, और वैसे निकालनी भी नहीं होती अनटिल एंड लेस कोई स्पेसिफिक वो सिचुएशन ना हो. तो क्या चॉइसेस हैं कंजर्वेटिव में, मतलब यूट्रस कंजर्वेटिव सर्जरी से? बताओ, आईएमएम तो किया हुआ होगा ना,
बहुत सारे बच्चे चले, एक तो सैक्रोस्टेरोपेक्सी है, सैक्रोस्टेरोपेक्सी कर देंगे। कैसे लिखूं, बस हिस्टेरोपेक्सी एच की लिख दिया, और एक ऐसे सब कर देंगे सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, वाल्ट के लिए भी कर सकते हैं और प्रोलैप्स के लिए भी। और सर्जरी की बात कर रही हूँ, पैसरी सर्जरी में तो नहीं आएगी ना, पैसरी सर्जरी में नहीं आती। मैं यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरीज में पूछा है कि आपने सैक्रोस्टेरोपेक्सी कर दी, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन कर दी, मैनचेस्टर पे तो ठीक ही है ना, मतलब नहीं करते अलग बात है, लेकिन यूट्रस तो बच जाती है। क्या ख्याल है, मैनचेस्टर में सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में कर लेते हैं, एंटीरियर के लिए एपी रिपेयर कर देते हैं, पोस्टीरियर के लिए, पोस्टीरियर छोड़ो अभी, मैं तो ऑप्शन पूछ रही हूँ ना, रिकमेंडेड है या नहीं है वो एक अलग बात है, मैं पूछ रही हूँ एक पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया है मेरी यूट्रस नहीं निकालने और उसको प्रोलैप्स है, आपके पास अगर उन चार ऑप्शन में सब में यूट्रस निकल रही है और एक मैनचेस्टर ही खड़ा है अकेला, तो फिर तो मैनचेस्टर ही होगी ना। चार नहीं है? Yes. Yes. चले, प्रोलैप्स की सर्जरीज में, यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरीज में ऑप्शन है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन, सैक्रोस्टेरोपेक्सी, मैनचेस्टर रिपेयर, एंटीरियर रिपेयर, एंटीरियर कॉल्पोरेफी भी बोलते हैं, या पोस्टीरियर रिपेयर रेक्टोसील के लिए है तो वही प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी, ठीक है। और कुछ हाई लिगामेंट फिक्सेशन है कार्डिनल की है तो सही, वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आ जाती है जिसमें हम यूट्रस सैक्रिफाइस कर सकते हैं और प्रोलैप्स की सर्जरी है। तो ऑप्शन क्या है, सबसे पहली वीएच वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, दूसरी ऑप्शन क्या है टीएच, तीसरी क्या है लैप्रोस्कोपी। अब इसका ऑर्डर ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है, उसकी जो है यूट्रस है 14 वीक साइज, समवन प्लान्ड हर लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी, तो क्या करना है इसका, कर दें हो जाएगी। चलो हो जाएगी, क्या क्या है 14 वीक्स पे, आपने कहा लैप्रोस्कोपी हो जाएगी। चले, वैसे ऑर्डर हिस्टेक्टमी का ये है कि सबसे फर्स्ट लाइन रूट क्या है हिस्टेक्टमी का, वीएच, और फिर है लैप्रोस्कोपिक, फिर है टीएच, ठीक है। लैप्रोस्कोपी में डिफरेंट और ऑप्शन है कि टोटल मतलब सारे के सारे स्टेप्स आप लैप्रोस्कोपिकली कर दें, ठीक है, या आप ना करें, कुछ स्टेप्स आप जो है वजाइनली भी कर सकते हैं, तो वो लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड होती है। अब टीएच एक मेजर सर्जरी है, पूरा एब्डोमेन खोलना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर पेशेंट में मेजर कोमॉर्बिडिटीज हैं, लंबा एनेस्थीसिया नहीं ले सकती या मोटी बहुत है, तो फिर आप उसमें लैप्रोस्कोपी करते हैं, तो दैट्स व्हाई लैप्रोस्कोपी इज बेटर देन टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। ये रिकॉल है एक्चुअली, जिनको जिन्होंने ये एग्जाम दिया था उनको भी बात समझ में आ गई होगी कि जिसकी लैप्रोस्कोपिक होनी थी ना, उसमें हमने वीएच ही करनी थी, वीएच एक्चुअली फर्स्ट लाइन है, वो ही करनी थी, ठीक है, इसकी लैप्रोस्कोपी नहीं करनी थी, उसमें यह था कि चेंज प्लान एंड यू नो VH is first line. However, जो मैंने आपको रिकॉल बताया उसमें मैंने गलत बात बोली है, वो 14 वीक है, इसको 12 वीक कर लें, क्योंकि 14 वीक पे डिफिकल्ट होती है VH, 14 वीक साइज यूट्रस पे, ठीक है। लेट्स सपोज यूट्रस इज नॉर्मलाइज्ड, इट्स सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स,
तो हाउ यू विल डू हर विजाइनल हिस्टेरेक्टमी, फर्स्ट ऑप्शन इज वीएच, सेकंड ऑप्शन इज लैप्रोस्कोपी एंड थर्ड ऑप्शन इज टीएच. अच्छा, वीएच के लिए भी प्रीरेक्विजिट है ना, वो ये है कि यूट्रस बड़ी ना हो. कितनी बड़ी ना हो, 12 to 14 वीक रेंज होती है, बट 14 के बाद इट्स बेटर कि आप उसको एब्डोमिनली करें थ्रू लैप्रोस्कोपी या लैप्रोटमी करके. ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको. और ये एक रिकॉल भी है कि एक पेशेंट है जिसकी 14 वीक साइज यूट्रस है, यू आर प्लानिंग हर वीएच, इसमें क्या रिस्क हो सकता है, और फिर आपकी ये होती है कि मोर चांसेस टू कन्वर्ट इनटू लैप्रोटमी, क्योंकि साइज बड़ा है ना, आप नीचे से आउट नहीं कर पाओगे इसको. ये चीजें समझ आ रही है? देखो अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि एक रिकैप ओरिएंटेशन सेशन है. पहले तुम लोग फिर टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक पढ़ने के बाद हम दोबारा इस सेशन को कर लेंगे, फिर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे. ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ना है. चलो बच्चों को देखो, मैं यहाँ छोड़ती हूँ इस बहस को, कब क्या करना है. सर्जरीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, रिकैप में इसको नहीं डालते, छोड़ दो इसको. अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है वैसे, कि जब भी आपने प्रोलैप्स पढ़नी है, यूरोगाइनी पढ़नी है, तो आपने देखना जरूर है कि किस में पैसरी रखनी है, किस में सेक्रोफेरोटैक्सी करनी है, किस में मैनचेस्टर करना है. ठीक है, तो बस वर्ड्स ये हैं कि एक पेशेंट है जो कहती है जिसको प्रोलैप्स है, एंड शी वांट अ डेफिनेटिव सर्जरी. डेफिनेटिव में क्या ऑप्शन है? पीएच. हाँ, पीएच हो गया. अगर किसी पेशेंट को प्रिवेंट करना है रिकरेंस को, एंड यू आर डूइंग विजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड वॉल्ट इज अबव इंट्राइटस, तो मैकलडोप्लास्टी. ठीक है, अगर इंट्राइटस पे है तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन. ठीक है, अगर किसी को, हाँ अगर किसी पेशेंट को आपने यूट्रस आउट कर दिया, वॉल्ट का प्रोलैप्स है, तो वॉल्ट के लिए फर्स्ट चॉइस क्या होती है, सबसे आइडियल, सैक्रोकॉल्पोपेक्सी. ठीक है, अगर विजाइना शॉर्ट है, पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है, तो इसके लिए भी सैक्रोकॉल्पोपेक्सी. सैक्रोकॉल्पोपेक्सी का फायदा यही है कि विजाइना की लेंथ को कंप्रोमाइज नहीं करती, और लेंथ कंप्रोमाइज नहीं होगी तो डिस्पुरिनिया भी नहीं होगा. तो इसमें किसी पेशेंट के अगर 60 ईयर भी है ना, और वो कहती है कि भाई मुझे सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है और मुझे डिस्प्रोनिया हो रहा है, तो आपके पास चॉइसेस हैं सैक्रोहिसेरोपैक्सी की या वीएच की. आपने 60 ईयर देके वीएच नहीं कर देनी, आपने उसकी सैक्रोहिसेरोपैक्सी करनी है. और अगर उसकी हिस्टेक्टमी हो चुकी है और वॉल प्रोलैप्स अगेन डिस्प्रोनिया के साथ आई है, तब क्या करना है, सैक्रोकॉल्पोपेक्सी. जो सैक्रोस्टेरोपेक्सी सैक्रोकॉल्पोपेक्सीज हैं, ये सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के लिए आइडियल हैं, और ओवरऑल भी आइडियल हैं, क्योंकि इनके जो सक्सेस रेट है वो बाकी सर्जरी से अच्छे हैं. ठीक है, हाँ अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट सेक्सुअली इनएक्टिव है या सेक्सुअल एक्टिविटी डिजायर्ड नहीं है, तो सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंगल चेंज हो जाता है, तो पेशेंट को डिस्प्रोनिया भी हो सकता है. तो अगर वो एक्टिव ही नहीं है तो इट्स ओके. इसको आप लोग कंफ्यूज करते हैं कॉल्पोप्लेसिस के साथ. कॉल्पोप्लेसिस हम तब करते हैं जब पेशेंट ने सेक्सुअल एक्टिविटी करनी ना हो, और वो फ्रेल भी होगा भी. अब यहाँ फंस जाते हो, पैसरी रखें, फिर फंस जाते हो कि ऐसा सब कर दें, फिर फंस जाते हो कि कॉल्पोक्लेसिस कर दें. कॉल्पोक्लेसिस में परमानेंट वजाइना की ओब्लिट्रेशन हो जाती है. सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन में डिस्प्रोनिया होता है थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, और पैसरी इसका ताल्लुक ना डिस्प्रोनिया से है, किसी चीज से भी नहीं है. ये एक टाइम बींग अगर पेशेंट मेडिकली अनफिट है, या परप्यूरियम में प्रोलैप्स हो गया है, या कोई अल्सर बना हुआ है, तब रखनी होती है. तो पैसरी की तो यू नो इंडिकेशन ही डिफरेंट है. तो सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन में सर्जरी है, वजाइनल सर्जरी है, अच्छी खासी इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो एक फ्रेल पेशेंट में नहीं करनी.
उस पेशेंट में कर सकते हैं जिस जिसको जो है कोई सेक्सुअल डिफिकल्टी नहीं है या शी हैज लेस प्लान टू बिकम सेक्सुअली एक्टिव. हाँ, एक पेशेंट ऐसी है जिसके परमानेंट प्लान हैं, शी विल नेवर बी सेक्सुअली एक्टिव और वो उसमें कोमॉर्बिडिटीज भी बहुत ज्यादा है, देन यू विल चूज कोल्पोक्लेसिस. एक पेशेंट में कोमॉर्बिडिटीज हैं, अब डायबिटीज अभी कंट्रोल नहीं है, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, उसमें नहीं करनी कोल्पोक्लेसिस, उसमें पेसरी रख के उसकी कोमॉर्बिडिटीज को एड्रेस करना है, फिर सर फिर उसकी आइडियल सर्जरी कर दें जब वो सुटेबल हो. ये क्लियर है? यस मैडम. ओके, चले बस यही है. तो इस तरीकों से आपने अपने क्वेश्चंस देखने हैं इन यूरोगाइनी और आपकी कीज बनती जाएंगी. अब हमने प्रोलैप्स की बात की. प्रोलैप्स में होता क्यों है? यूट्रस की ना स्पोर्ट्स होती हैं, स्पोर्ट नंबर वन, स्पोर्ट नंबर टू, स्पोर्ट नंबर थ्री. हमने स्टोरी स्वाइडिंग पढ़ ली है. खैर, तो अभी हम बताते हैं पेशेंट को प्रोलैप्स हो गया है. तो प्रोलैप्स तो काफी तरह के हैं. एब्वॉल्ट प्रोलैप्स है, यूट्रस का प्रोलैप्स है, सर्वाइकल डिसेंट है, ठीक है, और एंटीरियर वाल पे देखें तो सिस्टोसील बन जाएगी या यूरेथ्रोसील बन जाएगी, पोस्टीरियर वाल पे देखें तो एंटेरो बन जाएगी और रेक्टोसील बन जाएंगी. तो ये सब किस्म के प्रोलैप्स हैं. जैसा कि इनके नाम डिफरेंट है, इनके काम डिफरेंट है, इनकी अटैचमेंट या इनकी स्पोर्ट्स भी डिफरेंट है, ठीक है. सबसे अच्छी जो स्पोर्ट होती है सब लेवल्स में, वो लेवल वन की स्पोर्ट होती है, ये वाली स्पोर्ट लेवल वन. इसका इसका प्रॉपर इसका काम है सस्पेंशन प्रोवाइड करना. और इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं? सबसे टॉप पे है कार्डिनल लिगामेंट. यूट्रोसैक्रल स्पोर्टिव है, अगर इसमें से कोई भी चूज करना है तो कार्डिनल इज यू नो मेन लिगामेंट जो सस्पेंशन दे रहा है, जो यूट्रस का प्रोलैप्स नहीं होने दे रहा, जो वॉल्ट का प्रोलैप्स नहीं होने दे रहा, ठीक है. अगर किसी पेशेंट में यूट्रस नीचे आती है या वॉल्ट नीचे आती है तो कौन सा लिगामेंट कल्प्रिट है, कार्डिनल या बाकी ये सारे? यही की है. You will see hundreds of questions. बस आंखें बंद करके कार्डिनल ढूंढने कर रहे हैं. कार्डिनल के कमजोर होने से क्या होगा? यूट्राइन प्रोलैप्स और वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है. अब इसको टिश्यूज को भूल जाओ, हम सिर्फ इसके अटैचमेंट पे फोकस करो करेंटली. लेवल टू अगर खराब है और इसके जो मेन लिगामेंट है वो प्यूबो सर्वाइकल, प्यूबिक आगे होता है ना, सर्विक्स भी आगे होता है ना, तो आगे तो सिस्टोसील है, तो अगर ये खराब है तो सिस्टोसील हो जाएगी. और ये रिकॉल भी है कि सिस्टोसील पेशेंट की क्यों होती है, कौन से लिगामेंट के वीक होने की वजह से होती है, यूकॉक्सीजियस या प्यूबो सर्वाइकल या यूकॉक्सीजियस या कार्डिनल, क्या होगा, कौन सा लिगामेंट आएगा? प्यूबो सर्वाइकल. और इसको एक और अंदाज से भी पूछते हैं कि एक पेशेंट को प्रोलैप्स था, उसकी पॉप की हो गई या टीवीएल फलाने टपकानी, बट इसका जो ए बी पॉइंट है ना, ए बी पॉइंट, सिस्टोसील को पॉप क्यू में ए बी पॉइंट बोलते हैं, वो इसका ज्यादा है, तो कौन सा लिगामेंट वीक होगा? प्यूबो सर्वाइकल या कार्डिनल या प्यूबो कॉक्सीजियस? प्यूबो सर्वाइकल, ठीक है. और जो लेवल थ्री है, अगर वो खराब हो, जैसे प्यूबो कॉक्सीजियस लिगामेंट खराब हो या इलियोकॉक्सीजियस, तो फिर पेशेंट को यूरेथ्रोसील होगी, लो रेक्टोसील होगी, लो सिस्टोसील भी हो सकती है और पेरिनियम भी कम हो सकती है. पेरिनियल बॉडी आइडियली हम लेते हैं कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, इससे कम आ जाती है. तो अगर पेरिनियल बॉडी खराब है किसी की तो किस कौन सा डिफेक्ट है, लेवल थ्री का? लेवल थ्री का है तो प्यूबो कॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस. और इसमें ऑप्शन में पेरिनियल मेम्ब्रेन, यूजेनिटल डायफ्राम, पता नहीं क्या कुछ होता है. तो यूरेथ्रोसील, रेक्टोसील लेवल थ्री के डिफेक्ट्स हैं और यही लिगामेंट है, ये नहीं कोई देखना है दोनों को, ठीक है. एक और भी एमसीक्यू आता है, पेरिनियल बॉडी की पोजीशन पूछते हैं, कोर्टो कवर्नस, बल्बो कवर्नस और बहुत सारे, और एक नहीं होता वो बताना होता है. अब ये क्लियर है ये स्लाइड? एक्सक्यूज मी मैडम, एक क्वेश्चन है इसमें. हाँ जी. कि अगर मेन सपोर्ट कार्डिनल लिगामेंट है तो फिर हम कोलोप्लास्टी में यूट्रोसैक्रल से क्यों अटैच करते हैं? बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम वीएच कर रहे हैं, वीएच करते हुए यूट्रोसैक्रल ढूंढना लगाना आसान है. टीएच कर रहे हैं तो हम कार्डिनल ही पकड़ेंगे. कार्डिनल कहाँ से आ रहा है, आ कहाँ से अटैचमेंट कहाँ है इसकी, इनके अटैचमेंट भी करनी है, लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं, लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं.
स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इसमें वो बोलते हैं कि एक पेशेंट को जो है ना प्रोलैप्स हो गया है, तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है? कार्डिनल लिगामेंट, मेनोपॉज, सिजेरियन सेक्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ट्रामा. अब बताओ, आप फंस हो गए. चाइल्ड बर्थ ट्रामा होगा आई थिंक. हाँ, रिस्क फैक्टर तो चाइल्ड बर्थ ट्रामा है ना, उसने एक्चुअली मैकेनिज्म किया है कि कार्डिनल लिगामेंट को वीक किया है. अगर वो आपसे पूछे मैकेनिज्म है ना, देन यू जाएंगे फिर आप कार्डिनल पे. रिस्क फैक्टर तो ओबेसिटी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है ना, ऑल्दो इसमें सेक्शन प्रेगनेंसी से भी हो जाता है, सेक्शन से थोड़ा कम होता है. चाइल्ड बर्थ के बाद प्रेगनेंसी कल्प्रिट है, फिर सेक्शन कल्प्रिट होता है. ठीक है. अच्छा, एक पेशेंट है जिसको वॉल्ट प्रोलैप्स हो गया है ड्यू टू सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, उसमें कल्प्रिट कौन सा है, उसकी हिस्टेरेक्टमी या उसका बर्थ ट्रामा? उसमें रिस्क फैक्टर क्या है? हिस्टेरेक्टमी. यू हैव नॉट अंडरस्टैंड माय पॉइंट. एक पेशेंट है जिसकी हिस्टेरेक्टमी हुई है ड्यू टू सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, उसमें वॉल प्रोलैप्स हो गया है, तो इस वॉल प्रोलैप्स की काज क्या है, हिस्टेरेक्टमी या चाइल्ड बर्थ ट्रामा? उसको वही वीक लिगामेंट थे, उन्हीं को काट पिट के दोबारा वाल के साथ जोड़ दिया उसने, फिर नीचे आ जाना है. चाइल्ड बर्थ ट्रामा ही ने पहले सेकंड डिग्री यू पर लैप्स कराया, अब वही वॉल पर लैप्स करा रहा है, क्योंकि वो लिगामेंट ही कल्प्रिट थे. वो लिगामेंट कल्प्रिट चाइल्ड बर्थ ट्रामा की वजह से हो गए. चाइल्ड बर्थ ट्रामा इज अ रिस्क फैक्टर, मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे कि कार्डिनल लिगामेंट चूज करें. अच्छा, ये यूरोगाइनी में यही बकवास है, यही घूमते रहते हो, रिस्क फैक्टर है, मैकेनिज्म है. तो इसलिए मैं शुरू में रिकैप में बताती हूँ कि ये तुम लोगों को बहुत तंग करेंगे. अगर एक पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी हुई है और फिर वॉल प्रोलैप्स हुई, और हिस्टेरेक्टमी फाइब्रॉइड की वजह से हुई थी, उसमें वॉल प्रोलैप्स हुआ है, उसकी रीजन हिस्टेरेक्टमी है. ठीक है. हाँ, अरे ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, घोटा मार लो इनको. चलो, ये पॉप की स्टेजिंग है, इसमें सबसे अच्छी स्टेजिंग है स्टेजिंग नंबर 2. अगर प्रोलैप्स हाइमन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है या नीचे है, दिस इज स्टेज 2. मुझे सबसे अच्छी लगती है, आती भी यही अच्छी बात ये. उससे ऊपर है तो 1 है, और उससे नीचे है तो 3 है, और कंप्लीट नीचे आ गई तो दिस इज इन्वर्शन. ठीक है. 90% IMM और MCBS में बस पॉप क्यूब इतना ही आता है. FCBS में फिर वो मेजरमेंट्स वगैरह आते हैं. ठीक है. ABM में प्रोलैप्स यूरोगाइनी के टॉपिक्स ही हैं. ठीक है, इनके टेबल्स कर लीजिएगा एक नजर अलॉन्ग विद माय मॉड्यूल सेशन लेक्चर्स कार्ड्स. ठीक है. और अल्लाह, ऊपर पिछला तो रह गया. मैं तो इजी वाले सारे टॉपिक्स हमने ABM से भी एक दफा रीड तो देने हैं ना. हाँ, ABM से देने हैं. ABM से ना आपका कंसाइज हो जाएगा पूरा मॉड्यूल, आपको लगेगा कि आपने कुछ कर लिया, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. ऑल्दो मेडहोम का मॉड्यूल ही सफिशिएंट है, ABM ना भी करो, लेक्चर कर लो, कार्ड्स कर लो, पास हो जाओगे. ठीक मैम. मैम फिर कल का कौन सा टॉपिक है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? कल का कोई टॉपिक नहीं है, कल रेस्ट डे है. मेरे कुछ टॉपिक्स रहते हैं ये ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल से, कल मैं वो कंप्लीट कर लूंगी. हां ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा अपने आप को रिससिटेट कर लें, और जिनको ऑन्कोलॉजी वाले हैं वो उसको कंप्लीट कर लें, एक दिन का रेस्ट है. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. ओके, अब हम फिस्टुला कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है मैम. चलो, जस्ट गिव मी 2 मिनट. मैम ये